Hello dear student, in this lecture we have to discuss about flower. Okay, flower kya hota hai? Flower is a reproducing part of the plant. It was most attractive part of the plant because it have so many colors, so many shape, structure and so many fragrance. Okay, to flower kya hote hain aapke? Ye aapki जो क्या होते हैं प्लांट होते हैं उनके बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये क्या करता है कैरी करता है उसको डेवलप करता है एंड इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वर्क इसका क्या होता है दिस इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. ओके बिकॉज जब तक आपके फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स नहीं डेवलप होंगे तो इनके बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनेंगे मेल एंड फीमेल एंड जब तक ये नहीं फॉर्म होंगे तो क्या होगा इनमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होगा एंड दे इफ़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे नॉट एबल टू फर्टिलाइज देन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट. ओके तो यहाँ पे जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हम पढ़ेंगे इसमें आपके मेल में दिस इज एंथर. ओके एंड फीमेल में हमारा पूरा है गाइनोशियम. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बेटा आप क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हो तो इनमें क्या होता है आपके ये पेटल्स होते हैं. ठीक है पेटल्स इज अ मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके पेटल हैव सो मैनी कलर्स इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर टू दी ओवरी एंड एंथर. ओके ये क्या होते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए होते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो सके इंसेक्ट बर्ड्स अदर वैक्टर बोलेंगे इनको जो भी पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन जब क्या होते हैं फ्लावर डेवलप हो जाते हैं मेल पार्ट में माइक्रोस्पोर बनते हैं और यही माइक्रोस्पोर फिर क्या करते हैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पहुँचेंगे पिस्टल में और फिर ये क्या करते हैं ओवरी तक जाएंगे और ओवरी में जाने के बाद ये क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसको हैप्लॉइड से एन से टू एन में कन्वर्ट करते हैं. ओके डिप्लॉइड बनाएंगे तो ये प्रोसेस होने के लिए हमको कैरियर की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे जो कोरोला है ये वाला पार्ट आपका ये आपका इसमें हेल्प करता है ड्यू टू इट्स स्मेल एंड कलर. तो ये क्या करते हैं कलर और स्मेल की वजह से अट्रैक्ट करते हैं बीज को अदर एनिमल्स को और क्या आपके जितने भी इंसेक्ट हैं एक्सेट्रा. तो वो क्या करती हैं अपने लेग से और सपोर्टिंग ऑर्गन से क्या करते हैं पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र ईजली पिस्टल में कर देते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन स्टार्ट होती है और सम फ्लावर आर एबल टू सेल्फ पॉलिनेट बाय द विंड वेलोसिटी. ओके देन वी हैव टू फर्स्टली स्टडी अबाउट स्टिग्मा. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टिग्मा ये आपका जैसे आपकी पानी वाली क्या बोलते हैं सुराही हाँ नेक उसकी जैसे होती है जो आपके मग के नेक होते हैं नेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिग्मा एंड इट हैव स्पेशलाइज फॉर रिसेप्शन ऑफ पॉलन. ओके पॉलन की एंट्री को ये क्या करते हैं ईजली अवेलेबल कराते हैं इट ईजी टू एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन. ओके तो पॉलन ग्रेन्स की माइक्रोस्पोर जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स की एंट्री को ईजली यहाँ पे होने देती है और फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा स्टाइल से होते हुए फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करने के बाद ये ओवरी में ओव्यूल को फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट. फर्स्ट इज हमारा क्या है स्टिग्मा सेकेंड इज स्टाइल थर्ड इज ओवरी. ओके तो स्टाइल क्या है सपोर्टिव पार्ट है दिस इज़ फॉर सपोर्ट. ये क्या करता है इसको सपोर्ट करता है एंड ओवरी है हेल्प करता है किसमें फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल के एंड इसके नीचे जस्ट आपके क्या होते हैं सपोर्टिव ऑर्गन एक और है आपका क्या है दिस इज कॉल्ड सेपल. ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो विच आर कनेक्ट विथ स्टेम सेपल आर ये ए है सेपल आर हेल्प टू
हेल्प इन कनेक्शन टू स्टेम. ओके, और ये जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये क्या होता है, थैलेमस है, बिकॉज इट हैव पल्पी लेयर. थैलेमस MUS स्पेलिंग होगी इसकी. तो थैलेमस क्या करता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जो आपका एक बेसमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. दिस इज बेस लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, हेल्प करता है ओवरी के रिसेप्टिकल को फॉर्म होने में. ये वाला जो पूरा रीजन है आप देख रहे हो, इसको पूरा सपोर्टिव फॉर्म देता है और इसकी ग्रोथ में हेल्प कराता है. ओके, तो इतना हो गया हमारा. और ये कलेक्टिवली पिस्टिल हमारा क्या कहलाता है, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. जो पिस्टिल के अंदर ये तीनों पार्ट आते हैं, और दिस इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है, सिंबल है. एंड देन वी हैव टू लुक फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज कॉल्ड एंथर और स्टामेन. इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टामेन. जब क्या होते हैं, फिलामेंट और आपके जो एंथर लोब होती हैं उसकी फॉर्मेशन एक साथ होती है. जैसे आप देख रहे हो, ये सबने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, मस्टर्ड के फ्लावर देखे होंगे, उसमें आप इजीली इन्फ्लोरिसेंस में जो फ्लावर बनता है, तो हिबिस्कस के फ्लावर में क्या देखा होगा, इस तरीके से. एक सेकेंड, ये बीच का पार्ट है और यहाँ पे ऐसे फिलामेंट निकलते हैं, और ये बुशी टाइप का होता है ना, ब्रश लाइक, तो उस पर डॉट डॉट आपको डस्ट दिखेगी, येलो कलर की डस्ट. दिस इज पॉलन ग्रेन्स. ये क्या होते हैं, जो येलो डस्ट दिखाई देती है, ये पॉलन ग्रेन होती है. और इसी साइड से आपके क्या होते हैं, कोरोला और पेटल क्या होती हैं, डेवलप होती हैं. तो हिबिस्कस का फ्लावर ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो. तो इसमें पॉलन ग्रेन्स, ओवरी का स्ट्रक्चर आपको ईजिली बहुत ही आसानी से दिख जाएगा. तो अब हम इस पे देख लेंगे जो एंथर होता है. ओके, एंथर, यू हैव टू सी एंथर. एंथर इज फोर लोब स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ लोब इट हैव सो मैनी डिवीज़न, मीन्स आपके लोब के बेसिस पे ही एंथर का भी बहुत सारा डिवीज़न है. वो आप थोड़ी हायर स्टडी में जाओगे तब पढ़ोगे, यहाँ पे आपके कोर्स उसका लेना देना नहीं है. ओके, तो एंथर भी आपके टेट्राड हो सकते हैं, ट्राई लोब्ड हो सकते हैं, बाई लोब्ड हो सकते हैं. ओके, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे. तो इस तरीके से, और टू लोब यहाँ पे इसके पीछे होते हैं. ओके, अभी ये मैंने ओपनली बना दिया, तो ये क्या होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लोब. ओके, और ये जो कनेक्शन बनता है, दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट. इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोप. और इन्हीं की बीच में आपके क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ये अगर मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दिया, एक सेकेंड, ये आपका जो एंथर लोब है, इसको अगर हम इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे, तब आपको कैसा दिखेगा, फोर लोब स्ट्रक्चर दिखेंगे. और ये क्या होते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ये, और इनके बीच में क्या होते हैं, यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एंडोडर्मिस लेयर होती है, एक्टोडर्म होता है, और एक्टोडर्म आउटसाइड साइड में होगा, एपिडर्मिस की लेयर बनाएगा, एंडोडर इनर वॉल होगी, जो क्या बनाएंगे, आपके स्पोरेंजिया की सैक बनाएंगे, और जिसमें क्या होंगे, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर. ओके, तो यहाँ पे छोटे छोटे आपके ये स्पॉट्स आप जो देख रहे हो, दिस इज माइक्रोस्पोर. ओके, दीज आर माइक्रोस्पोर फॉर्म आफ्टर बाई दी मियोटिक डिवीज़न इन लोब. ओके, तो एंथर का डिवीज़न एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो दिस इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. एंड लास्ट में जो आपका थैलमस के बाद जो पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड पेडिंकल. ये जो नीचे का पार्ट होता है, एक सेकेंड, ये वाला जो रीज़न देख रहे हो, ये भी सपोर्ट के लिए होता है.
इसको बोलते हैं पेडिसल। स्टेम बियरिंग फ्लावर जिसमें होंगी, जिनमें स्टेम से डायरेक्ट ये बन रहे हैं, तो ये रिसेप्टिकल या पेडिसल बनते हैं। और एंथर हैव एबिलिटी टू फॉर्म मैनी माइक्रोस्पोरोसाइट्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो केज होती है, जो अभी आपने लोब देखा, इसमें जो स्पोर बनते हैं इसको माइक्रोस्पोरोसाइट्स बोलते हैं। और इसके बाद आपके क्या होंगे, पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे। तो पॉलन ग्रेन का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ओके, बिकॉज इट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीड, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बिकॉज इट बियरिंग ऑल गाइनोशियम ओव्यूल एंड माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन, ओके, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन के बिना फ्लावर में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्लावर। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया। अब इसके कुछ मेन पार्ट को देख लेंगे और इनका वर्क देख लेंगे, ओके। तो मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, अब इसके पार्ट की डिटेल थोड़ी देख लेंगे। अ टिपिकल फ्लावर हैव दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, कोरोला, ओके, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, तो आपका कैलिक्स जो है, जो कार्पल का पार्ट था वही आपका कैलिक्स होगा, या सेपल जो हम पढ़ चुके थे, सेपल को ही हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। एंड कोरोला क्या था आपका, पेटल था, जो कलर्ड पार्ट था, पेटल्स। एंड एंड्रोशियम जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, एंड गाइनोशियम इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। तो हम इसकी स्टडी कर लेंगे थोड़ी सी, ओके। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कैलिक्स, कैलिक्स और सेपल से। जो आपका यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट था फ्लावर में डेवलप हो रहा था, ओके, जो आपके अटैचमेंट बना रहा था कहाँ से, स्टेम से, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। अब इसका वर्क क्या होता है, इट इज़ इंडिविजुअल इन अ लीफ सेगमेंट। ये इंडिविजुअली बर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपकी क्या होती हैं, ब्रांचिंग होंगी। तो सो मैनी बर्ड्स आर डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ कैलिक्स और सेपल, ओके। तो सेपल की फॉर्मेशन किस में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। एंड बर्ड के बाद क्या होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टिकल्स, एंड रिसेप्टिकल से डेवलपमेंट ऑफ ओवरी होगा, एंड ओवरी से आपका गाइनोशियम डेवलप होगा, ओके। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, आपके इस रीजन में होती है यहाँ पर, जिसमें हेल्प कौन करता है, कैलिक्स या सेपल। दिस इज ग्रीन कलर पार्ट, इट हैव कलर पेटल्स, और यहीं से आपके क्या होते हैं, ये कलर पेटल यहीं से निकलते हैं, ओके। फिर यहीं से आपके क्या होंगे, कलर्ड पेटल रिलीज होंगे, ओके, और ये क्या करेंगे, पूरी फ्लावर की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो इतना तो हो गया हमारा, क्या है ये, दिस इज कैलिक्स। एंड इट डेवलप प्रोटेक्टिंग लेयर, इसका इसका वर्क क्या होता है, डेवलप प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गाइनोशियम, ओके। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट कैलिक्स। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका क्या, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट कोरोला, ओके। सेकेंड पार्ट आपका, अभी फीमेल हमने स्टार्ट किया है, फीमेल में सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा, दिस इज कोरोला। ये क्या होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव
कलर्ड होता है, ओके, और यहीं से फ्रेग्रेंस आती है, फ्रेग्रेंस डेवलप होते हैं, और जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल एंड अट्रैक्टिव होंगे, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, इंसेक्ट को, बीज को, बर्ड्स को, ओके, और दे हैव स्टिकी, जो आपके कोरोला होते हैं कैसे होते हैं, थोड़े से वेलवेट लाइक होते हैं, वेलवेट लाइक होते हैं, और कैसे होते हैं, पल्पी भी होते हैं, एंड इसमें क्या होती है, अलग सी एक वैक्सी और स्टिकी मटेरियल रिलीज होता है, जो हेल्प करता है किसमें, टू फॉर्मेशन ऑफ नेक्टर, नेक्टर का फॉर्मेशन होता है, ओके, और नेक्टर का फॉर्मेशन आपके पिस्टल में भी होता है, और सम कोरोला है ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ नेक्टर। देन पेटल्स आर जनरली ब्राइट कलर, समटाइम दे आर डार्क इन कलर, एंड फ्लावर को ये क्या करते हैं, कंप्लीट बनाते हैं, एंड देन कोरोला हेल्प इन पॉलिनेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ दीज फीचर्स, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट कोरोला। तो किसी भी फ्लावर का जब ये बीज का सेंट्रल पार्ट आप छोड़ दोगे, ये जो कलर्ड पार्ट बनेंगे, ओके, दिस इज कॉल्ड कोरोला, कोरोला और पेटल। एंड थर्ड पार्ट हमारा, तीसरा हम देख लेंगे, ओके, द थर्ड पार्ट इज एंड्रोशियम। बिफोर एंड्रोशियम वी हैव टू लर्न अबाउट पिस्टल। अब यहाँ पे हमने कोरोला देख लिया, सेपल देख लिया, थर्ड पार्ट पिस्टल, ओके, पिस्टल कम इन गाइनोशियम, इसी को गाइनोशियम भी बोलते हैं, ओके, तो इसका वर्क क्या होता है, गाइनोशियम बेटा, इसमें आ जाएगा स्टिग्मा, दिस इज नेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ओके, और ये नेक लाइक स्ट्रक्चर और आगे बढ़ेगा, एंड ये यहाँ पर जैसे ही आएगा ये कंप्लीट होगा, और ये अंदर की ओर जाएगा, और ये लोब्यूल बनेगा किसके, ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए, जी, ये क्या होते हैं, लोब होते हैं, या इसको लॉक्यूल भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, यहीं पर आपका ओव्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पे ये आपका स्टाल्क से ये अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या है हमारा, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, एंड ये क्या हो गया, लोब हो गए, और लोब में ही ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब पॉलिनेशन के थ्रू क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे पहुँचेंगे, ओके, तो ये है आपका क्या है, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम, ओके, गाइनोशियम में ही आपका ओवरी है, ओवरी जो हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, एंड देन ओव्यूल फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, इसी में आपके सीड बन सकते हैं या फ्लावर बन सकते हैं, और सीड और फ्लावर सीड और फ्रूट बन सकते हैं, और सिर्फ सीड भी बन सकता है, सिर्फ फ्रूट भी बन सकता है, तो ये थ्री कंडीशन है, ओनली सीड आर देयर फॉर्म, सीड बन सकता है, सिर्फ फ्रूट बन सकता है, और सीड और फ्रूट दोनों बन सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर क्या है, ओवरी का डिवीज़न है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टाइल का क्या वर्क होता है, स्टाइल मेक अ कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ओके, ये क्या काम करता है, कनेक्शन का काम करता है किसमें, इन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और नेक्स्ट हम स्टडी कर लेंगे किसकी, आपका एंड्रोजियम। फटाक से देख लेंगे, लास्ट टॉपिक है, तो आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन सेकंड पार्ट सेक्शन बी में हम देख लेंगे, फर्स्ट में हमने गाइनोशियम फीमेल का पढ़ा था, अब हम मेल का देखेंगे, जिसमें मेल में क्या है, दिस इज एंड्रोजियम। दिस इज एंड्रोजियम, और इसी को आप एंथर भी बोलते हो, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, एंथर आ जाएगा, फिलामेंट आ जाएंगे। ओके, तो पीछे भी मैंने थोड़ा सा इसको रफली बताया था, अब यहाँ भी आप देख लो, इस तरीके से लोब होते हैं, और ये फोर लोब होता है, पीछे दो लोब होंगे इसी तरीके से, और ये फिर कनेक्ट किससे होगा, फिलामेंट से, और ये फिलामेंट कहाँ कनेक्ट होते हैं, फ्लावर में, फ्लावर की जो ये वाली रीजन थी जहाँ पे आपका ओवरी का डेवलपमेंट हो रहा था, उसी से साइड से कोरोला के पास से ये ओवरी के पास से ये रिलीज होते हैं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। एंड ये क्या है आपका, एंथर लोब। एंड यहीं पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ, देयर आर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस। एंड्रोशियम का क्या वर्क होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन्स इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर, तो पॉलन ग्रेन का रफली स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं, इसके किनारे क्या होती है, एक्साइन और इंटाइन की वॉल होती है। इंटाइन क्या होता है, इंटरनल लेयर है, एंड आउटर क्या होता है, एक्साइन होता है। एंड यहाँ पे आपके छोटे छोटे ये क्या होते हैं, स्पोरस कंडीशन होती है, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ओके, तो ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, और इन्हीं में क्या होते हैं, वैकेंट स्पेस होता है, दीज हैव वैकेंट स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, वैक्यूल बोलते हैं, और वैक्यूल में ही क्या होते हैं, जर्म पोर का फॉर्मेशन होता है, जर्म पोर जस्ट लुक लाइक दैट, ये जो सेल्स हैं, टेट्राड कंडीशन, या इसकी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल किसके बेसिस पे बनती है, जर्म पोर डेवलपमेंट, मीन्स जर्म पोर एक लेयर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस तरीके से ये गैपिंग होती है, और ये क्या करते हैं, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, एंथर जब आपके यहाँ पे स्टिग्मा में पहुँचता है, फॉर एग्जांपल ये आपका पॉलन ग्रेन है, जब ये पहुँचेगा, सॉरी अभी एंथर, तो ये पॉलन ग्रेन ही था वो, एंथर नहीं, एंथर यहाँ पे पहुँचेगा, और तो क्या होंगे, ये जो जर्म पोर होते हैं इसके, इट गेट जर्मिनेट, तो ये जर्मिनेशन के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से ये प्लाज्मा फ्लूइड को रिलीज़ कर देते हैं, और रिलीज़ करने के बाद यही, दिस इज एंडोस्पर्म, और ये क्या करता है, यहाँ से ट्रेवल करके पहुँचेगा ओवरी में, और फिर यहाँ पे ओवरी में क्या होगा, फर्टिलाइज कर देगा। ओके, तो ये था ऑल अबाउट फ्लावर, जिसमें हमने मेल और फीमेल दोनों पार्ट देख लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।